त्योहारों के समय अगर आप छत्तीसगढ़ ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए। दरअसल रेलवे ने कुल 26 ट्रेनों को रद्द किया है, तो बात कुछ ऐसी है कि बिलासपुर से कटनी के रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसके चलते रेलवे ने ये फैसला लिया। तो ऐसे में नवरात्रि के समय इससे यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। अगर आप भी ट्रैवल का प्लान बना चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जान लीजिए कि कौन सी वो 26 ट्रेनें हैं जो रेलवे ने रद्द की हैं। रेल प्रशासन ने बताया कि बिलासपुर और कटनी के बीच तीसरी लाइन पर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। दरअसल बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इस बदलाव से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और आने वाले दिनों में इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही ट्रैवल आसान होगा। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि वो 26 ट्रेनें कौन सी है जिन्हें रेलवे ने रद्द किया है। 30 सितंबर से 11 अक्टूबर तक बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 1 से 12 अक्टूबर तक इंदौर से चलने वाली 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 2 से 12 अक्टूबर तक भोपाल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 2 से 11 अक्टूबर तक जबलपुर से चलने वाली 11265 जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 से 12 अक्टूबर तक अंबिकापुर से चलने वाली 11266 अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 1 से 9 अक्टूबर तक बिलासपुर से चलने वाली 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 2 से 10 अक्टूबर तक रीवा से चलने वाली 18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 4, 7, 9 और 11 अक्टूबर को रीवा से चलने वाली 11751 रीवा चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 5, 8 और 12 अक्टूबर को चिरमिरी से चलने वाली 11752 चिरमिरी रीवा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 3, 7 और 10 अक्टूबर को लखनऊ से चलने वाली 12535 लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 4, 8 और 11 अक्टूबर को रायपुर से चलने वाली 12536 रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 4, 8 और 11 अक्टूबर को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22867 दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 5, 9 और 12 अक्टूबर को निजामुद्दीन से चलने वाली गाड़ी संख्या 22868 निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6 और 8 अक्टूबर को दुर्ग से चलने वाली 18203 दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 7 और 9 अक्टूबर को कानपुर से चलने वाली 18204 दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 16 अक्टूबर को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18213 दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 7 अक्टूबर को अजमेर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18214 अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 और 10 अक्टूबर को दुर्ग से चलने वाली 18205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 5 और 12 अक्टूबर को नौतनवा से चलने वाली 18206 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 से 11 अक्टूबर तक चिरमिरी से चलने वाली 08269 चिरमिरी चिंदिया रोड पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 3 से 11 अक्टूबर तक चिंदिया रोड से चलने वाली चिंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 5, 8, 10 और 12 अक्टूबर को चिरमिरी से चलने वाली 05755 चिरमिरी अनूपपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 5, 8, 10 और 12 अक्टूबर को अनूपपुर से चलने वाली 05756 अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 2 से 11 अक्टूबर तक कटनी से चलने वाली 06617 कटनी चिरमिरी मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 3 से 12 अक्टूबर तक चिरमिरी से चलने वाली 06618 चिरमिरी कटनी मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। इस दौरान रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट भी बदला है, जैसे 2 से 10 अक्टूबर तक बरौनी से चलने वाली 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का नया रास्ता बरौनी कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया होगा। इसके अलावा 2 से 10 अक्टूबर तक गोंदिया से चलने वाली
15232 गोंदिया बैरोनी एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर कटनी बैरोनी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप छत्तीसगढ़ ट्रैवल करने का प्लान बना रहे थे तो अब इस नए शेड्यूल को ध्यान में रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।